भगवान श्री कृष्ण ने क्यों दिया अपने ही पुत्र को कोढ़ी होने का श्राप? आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण और उनके पुत्र सांब से संबंधित एक पौराणिक प्रसंग सुनाएंगे। इस कथा का संबंध पाकिस्तान के मुल्तान शहर में स्थित सूर्य मंदिर से भी जुड़ा हुआ है। भविष्य पुराण, स्कंद पुराण और वराह पुराण में इस बात का लेख है कि श्री कृष्ण ने स्वयं अपने पुत्र सांबा को कोढ़ी होने का श्राप दिया था। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए सांबा ने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि पाकिस्तान के मुल्तान शहर में स्थित है। इस सूर्य मंदिर को आदित्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। भगवान श्री कृष्ण की 8 रानियां थीं, जिनमें से एक निषादराज जामवन की पुत्री जामवंती थीं। जामवंत उन गिने चुने पौराणिक पात्रों में से एक है जो रामायण और महाभारत दोनों काल में उपस्थित थे। ग्रंथों के अनुसार बहुमूल्य मणि हासिल करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और जामवंत में 28 दिनों तक युद्ध चला था। युद्ध के दौरान जब जामवंत ने कृष्ण के स्वरूप को पहचान लिया, तब उन्होंने मणि समेत अपनी पुत्री जामवंती का हाथ भी उन्हें सौंप दिया। कृष्ण और जामवंती के पुत्र का नाम ही सांबा था। देखने में वह इतना आकर्षक था कि कृष्ण की कई छोटी रानियां उसके प्रति आकृष्ट रहती थीं। एक दिन कृष्ण की एक रानी ने सांबा की पत्नी का रूप धारण कर सांबा को आलिंगन कर लिया। उसी समय कृष्ण ने ऐसा करते हुए देख लिया। क्रोधित होते हुए कृष्ण ने अपने ही पुत्र को कोढ़ी हो जाने और मृत्यु के पश्चात डाकुओं द्वारा उसकी पत्नियों का अपहरण कर ले जाने का श्राप दिया। पुराण में वर्णित है कि महर्षि कटक ने सांबा को इस कोढ़ से मुक्ति पाने हेतु सूर्य देव की आराधना करने के लिए कहा। तब सांबा ने चंद्रभागा नदी के किनारे मित्रवन में सूर्य देव का मंदिर बनवाया और 12 वर्षों तक उन्होंने सूर्य देव की कड़ी तपस्या की। उसी दिन के बाद से आज तक चंद्रभागा नदी में कोढ़ ठीक करने वाली नदी के रूप में ख्याति मिल गई है। मान्यता है कि इस नदी में स्नान करने वाले व्यक्ति का कोढ़ जल्दी ठीक हो जाता है। चीन के रहने वाले प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु सुयांग जेंग, जो भारत में बौद्ध धर्म ग्रंथ पढ़ने आए थे, उन्होंने भारत के अलग अलग राज्यों का विचरण कर वहाँ के इतिहास को जानने का प्रयास किया। जैंग ने कई ऐसे स्थानों और धार्मिक स्थलों के प्रति भी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। 641 ईस्वी में सुयांग जैंग इस स्थान पर आए थे। उनका कहना था कि मंदिर में स्थित सूर्य देव की मूर्ति सोने की बनी हुई थी, जिनकी आंखों की जगह पर बहुत मूल्य रूबी पत्थर लगाया गया था। सोने चांदी से बने मंदिर के खंभों पर बेशकीमती पत्थर जड़े हुए थे। रोजाना काफी संख्या में हिंदू धर्म के अनुयायी इस मंदिर में पूजा करने आते थे। बौद्ध भिक्षु के अनुसार उन्होंने यहाँ देवदासियों को भी नृत्य करते देखा था। सूर्य देव के अलावा भगवान शिव और बौद्ध की मूर्ति भी इस मंदिर में विराजित थी। दोस्तों, आपको यह पौराणिक कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।